हमारी श्रेणी में आ गया, कुछ नहीं हो सकता आगे लाइफ में। क्या टिप देना चाहेंगे आज के खास? बीवी की सुनो यार, और क्या है, सिंपल लाइफ में एक ही सिद्धांत होना चाहिए हर एक पति का। मैं भी सुनता हूँ और मैं यही सलाह दूंगा शॉर्ट को कि प्लीज़ सुना करो बीवी की, क्योंकि बीवी हमेशा राइट होती है और राइट की हमेशा सुनना चाहिए। राइट में इसलिए सुनो बीवी की। हाँ, अपनी राइट में बीवी राइट और राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें सर। अरे वही आज बड़ा वैसा है कि हम दोनों तरफ से हैं, तो आज हमने फैसला किया कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम करेंगे, खुद ही खातिरदारी करेंगे खुद की, बिकॉज दोनों तरफ से हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम यार, मतलब फाइनली द डे हैज कम जब वो एक हुए हैं, और बहुत खुशी है यार, मतलब बिकॉज वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स। जब भी ऐसे की शादियाँ होती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दो प्यार करने वाले एक हो गए। वेरी हैप्पी फॉर दैट। यार वी हैज ग्रोन अप वॉचिंग हर फिल्म्स एंड ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आई डोंट थिंक किसी भी सेलिब्रिटी के जाने का इतना दुख हुआ है। इट इज़ सो सडन, इट इज़ सो शॉकिंग कि ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल लॉस हुआ है। सो इट्स अ बिग बिग लॉस। एंड आई जस्ट मेट हर 2 मंथ्स बैक, तो मुझे मतलब शी वर देयर, तो वो एक सडनली कई बार दिन में वो मोमेंट्स आता है जब हम साथ में खड़े थे, मैंने हाय मैम कहा उनसे, बात की, तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो मतलब। एंड वो हमारी एक फ्रेंड है, उसी की बिल्डिंग में रहती थी, तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी, तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी। इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड बंद गए बंद गए, अब भाग नहीं सकते वो। हम ये कहना चाहते कि अब भागना भी है तो इट्स टू लेट। But we just want to wish them congratulations and all the happiness. Congratulate them and wish them a very very happy married life. क्या विश होने वाली है? अभी तो विश दिया, तो दिया। हम दीपिका और शोएब को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग हमसे यही पूछ रहे क्या विश करेंगे। लॉजिकली तो हम आपको कंग्रेचुलेशन ही विश करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इतना फोर्स कर रहे हैं, मैं सोची कुछ अलग जवाब दूं। स्टॉप नॉनसेंस, कम ऑन। सो हैप्पी बर्थडे दीपिका एंड शोएब, हैप्पी बर्थडे। सनाया हमेशा चमकती है, वो मेकअप है वो नहीं नहीं, वैसे भी हमेशा चमकती है और आज कुछ बहुत ही अच्छी, हमेशा एक्चुअली बहुत ही अच्छी लगती है यार। शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल एंड ही ऑलवेज लुक्स हैंडसम। थैंक यू। यू आर लाइक हिज लुकिंग गुड, नो? It was a great Nach Bali. All our contestants were, I'm sure everybody was actually here. When I think of Deepika Shoaib, I only think of you know, late night rehearsals. Yeah, because hamara koi saath nahi tha, we would look at each other and we'd be like raat kali, kyunki sirf hum raat kali karte the, hum dono aur Deepika Shoaib. But they were honestly along with us, or maybe even more than us, the most hard, by far the most hard working couple on Nach Baliye. And I think they're just such simple people. The simplicity that they have, both of them, it's so attractive, heartwarming. Actually, yeah, it's they're attractive. Really, really nice people, and we're just glad that we got to be part of a show with them. It's a beautiful name, Faiza. I think it's a great name. So. Good job, good choice. उम्मीद से गाना मत सुनिए। Thank you, देवीना। मैं बोलने वाला था क्योंकि मैं बहुत भाईयात गाता हूँ, तो देवीना बहुत बार बोलते हो तो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता। देवीना एक हो जाए। नहीं। देवीना ताल मैं दूंगा, 1 2 3 4 एक्शन। तुम्हें अंदर जाना है कि नहीं, यहीं पे रहना है? एक हो जाए देवीना, एक बार हो जाए। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के तुमने मुझे च्युइंगम खिला दिया ना। अच्छा चलेगा, मैं चबाऊं की गाना गाऊं। मैम आपका ड्रेस काफ़ी हटके और अलग अच्छा लग रहा है, तो कितनी प्रिपरेशन की? हाँ ये एक्चुअली हमें खुद को बाद में मालूम चला, जब यहाँ पे बाहर निकले तो एक्चुअली मालूम चला कि बहुत ज़्यादा मैचिंग करके हम निकले, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था। और दो दिल मिल रहे हैं कपड़ों के साथ मैचिंग करके, एक्चुअली वॉज वेयरिंग समथिंग एल्स, और बाहर निकलने से पहले अचानक ही फेल्ट दैट आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दिस। बहुत लेट हो रहा था तो ये और एक जैकेट सामने था, मैंने कहा कुरू ये पहन लो, सीरियसली पहनूँ नहीं, बस पहना कि मैं बाहर लेकर आ गई।
अभी खुद देख रहे हैं. अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए ब्लैक एंड ग्रे. नहीं टीवी तो मैं हमेशा बोल अभी एक्चुअली फ़िल्म कर रहा हूँ. पल्टन अभी ख़त्म की है, जेपी दत्ता की फ़िल्म की है और बहुत खुश हूँ कि इस मौकाम पे इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फ़िल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला. और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचा तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है और मैं हमेशा तहे दिल से कहता हूँ जिसकी बदौलत अभी खुद देख रहे हैं. अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए ब्लैक एंड ग्रे. मुझे उम्मीद आपसे जानना चाहेंगे क्या टीवी की ओर अब रुख करने वाले हैं कभी या हमेशा सिर्फ फिल्म में कर रहे हैं? नहीं टीवी तो मैं हमेशा बोल अभी एक्चुअली फ़िल्म कर रहा हूँ. पल्टन अभी ख़त्म की है, जेपी दत्ता की फ़िल्म की है और बहुत खुश हूँ कि इस मौकाम पे इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फ़िल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला. और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचा तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है और मैं हमेशा तहे दिल से जब भी मैं फिल्म साइन करता हूँ तो मैं अपने फैंस गलत होगा कि टीवी नहीं करना चाहता या टीवी को मैं भूल जाऊँ या यू नो एक्टर्स को भूल जाऊँ जो मेरे दोस्त रहे हैं. हमेशा वो रेस्पेक्ट वो दिल में वो प्यार हमेशा रहेगा. बट ऑफकोर्स अभी डेली सोप नहीं कर सकते बिकॉज उसमें 365 डेज शूट करना होगा और आपको पता होली और दिवाली तो डेली सोप में होता नहीं है, आपको हमेशा काम करना पड़ता है. तो और क्योंकि फिल्म्स कर रहा हूँ तो उसके बीच में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है. तो अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ आए जो मुझे लगे कि हटके है और अलग है जिसमें 2-3 महीने दे सकते हैं तो वाई नॉट. और मैं कभी ना आपसे थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा कि श्रीदेवी जी हमारे बीच में क्या कहना चाहेंगे? आप भी बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्या कहना चाहेंगे? बट ये एक्चुअली बिलीव करना बिलीव ही नहीं कर सकते अभी आज और कल. तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही उस बिल्कुल वहाँ से निकल नहीं पाए हैं और हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को हमने हमेशा देखा, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. और अचानक वो हमारे बीच में थी, उनकी हमने फिल्में देखी, अभी फिल्में उन्होंने की, मॉम की, इंग्लिश की और तो यकीन करना मुश्किल है. एंड इट इज़ नॉट दैट शी वाज रिटायर्ड और समथिंग कि आंखों के सामने से थोड़े दिन के लिए ओझल हो गए थे. एंड शी वाज देयर, शी वाज एक्टिव, शी वाज हेल्थी, शी वाज वाइब्रेंट, शी वाज सो प्रिटी, शी वाज वर्किंग, शी वाज सक्सेसफुल, शी वाज स्टिल गिविंग हिट फिल्म्स. सो इट इज़ अनबिलीवेबल. अभी फोटोग्राफ शी इज कमिंग अलाइव एंड गाना. एक्चुअली गाना तो अभी जो हमने गाना गाया रंग भरे बादल से तेरे नैनों के